नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक और समर ड्रिंक बनाएंगे। तो ये बनाएंगे हम कस्टर्ड मिल्क शेक। फटाफट बन जाता है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए आपको फुल क्रीम 1 लीटर दूध लेना है। ये मैं 1 लीटर के मेज़रमेंट के हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो 1 लीटर दूध को हमें पैन में चढ़ा देना है और उसे बॉयल होने तक गर्म करना है। तो देखिए, 1 लीटर के लिए इस तरह से आपको 2 स्पून भर करके हमें कस्टर्ड लेना है। तो आप ये नाप बना लीजिए, 1 लीटर दूध के लिए 2 चम्मच, और इसमें हम दूध मिलाकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये 2 चम्मच से बहुत परफेक्ट हमें जैसा मिल्क शेक चाहिए वैसा बनेगा। और देखिए, अब दूध भी बॉयल होने लग गया है, तो इसे हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। और इसमें हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे। तो ये चीनी अभी मैंने कम डाली, क्योंकि बाद में इसमें हम और सामान मिलाएंगे तो और मीठा हो जाएगा। तो चीनी आप थोड़ा कम ही डालें, बाकी अपना टेस्ट से डालें। और दूध बॉईल अच्छे से हो जाने के बाद इसमें हम ये कस्टर्ड मिला देंगे और इसे हम लगातार चलाएंगे। तो इसे हम चलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि इसका अच्छे से खुशबू आ जाए, इसमें कुक हो जाएगी, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, आप कम गैस पर इसे 15-20 मिनट बॉयल करके बिल्कुल अच्छे से फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। तो आप देखिए, ये मैंने सब्जा सीड्स लिए हैं, जिन्हें बेसिल सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी के लिए ठंडक लाते हैं, वेट लॉस में भी काम करते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो इन्हें मैंने 2 चम्मच लिया और आधा ग्लास पानी डाला है। अब ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही देखिएगा आप किस तरह से फूल कर दुगने हो जाएंगे। तो इन्हें आप इस तरह से पानी में घोल कर 10 से 5 मिनट के लिए रख दीजिए। इन्हें हम हमारे मिल्क शेक में यूज़ लेंगे। तो अभी कस्टर्ड देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पीने लायक बना है, गाढ़ा नहीं बना है बिल्कुल भी। अब इसमें हम रोज़ सिरप या फिर आप रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, कोई भी इस तरह का शरबत जिसमें थोड़ा रोज़ की खुशबू और रेड कलर हो, वो आप इसमें डालिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप बना के देखिए। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब एक गिलास में हम बर्फ़ डालेंगे और उस पर 2 चम्मच सब्जा सीड्स, और देखिए भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें हम मिल्क शेक डालेंगे। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी और इजीली बन गया है, ये बहुत अच्छा है, आप बनाइए इसे। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा सा रोज़ सिरप डालेंगे और ड्राई फ्रूट सजा करके इसे हम सर्व करेंगे। तो ये ठंडा सा मिल्क शेक आप बनाइए, इजीली बन जाता है, बहुत टेस्टी होता है, और सब्जा की वजह से थोड़ा हेल्दी भी हो गया है ये।